नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। आज शनिवार है और शनिवार का दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात का दिन होता है। ऐसे में जेल मैनुअल के हिसाब से तीन लोग जेल प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर पाते हैं। और आज की बात करें तो आज लालू प्रसाद यादव की बेटी चंदा उनसे मुलाकात करने रांची के रिम्स पहुंची, जहां पर उन्होंने अपने पिता से मुलाकात भी किया और उसके साथ उनके पिता ने उन्हें मैसेज भी दिया। अब वो मैसेज क्या है और चंदा ने मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। रिम्स में भर्ती आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए आज उनकी बेटी चंदा रांची पहुंची। लगभग दोपहर में पहुंची चंदा ने जेल प्रशासन से अनुमति लेकर अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वो लगभग 3:30 बजे बाहर निकले। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव रिम्स में भर्ती हैं और अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज भी करा रहे हैं। शनिवार को लालू प्रसाद से मुलाकात का दिन होता है। इस दिन अधिकतम तीन लोग आरजेडी सुप्रीमो से मुलाकात कर सकते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी चंदा यादव शनिवार को अपने पिता से मुलाकात के लिए रिम्स की पेइंग वार्ड पहुंची। लालू प्रसाद यादव वर्तमान में चारा घोटाले के मामले में सजायाफ्ता हैं। तबीयत खराब होने के कारण उन्हें रिम्स में रखा गया है। शनिवार को मुलाकात का दिन था। पिता से मिलने पहुंची चंदा अस्पताल में लालू प्रसाद यादव को देखकर रो पड़ी। बेटी को रोते हुए देखकर लालू प्रसाद यादव का दिल भर आया। उन्होंने बेटी को सांत्वना दी और कहा कि फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है, वो परेशान ना हो। राजनीतिक चर्चाओं से दूर चंदा ने पिता से लंबी बातचीत की, उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी भी ली। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य स्थिति अभी ठीक नहीं है और इसको लेकर उनके प्रशंसक मंगल कामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब से केली बंगले से उन्हें रिम्स में शिफ्ट किया गया उसके बाद से मुलाकात का दौर चल रहा है। शनिवार को मुलाकातें उनसे मुलाकात करने पहुँचते हैं। जब आज उनकी बेटी चंदा उनके सामने गई तो चंदा अपने पिता को इस हालात में देख कर रोने लगी। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें सांत्वना दिया और उसके बाद उन्होंने मैसेज भी दिया, जिसको चंदा ने बताया कि अभी उनके पिता की स्थिति ठीक है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को केली बंगले से फिर से रिम्स में शिफ्ट किया गया, उस पर कई सवाल भी उठने लगे थे। सवाल ये कि आखिर रिम्स से उन्हें केली बंगला में कैसे पहुंचाया गया। तो लगातार लालू प्रसाद यादव इन्हीं सवालों के बीच घिरते नजर आते हैं, लेकिन शनिवार के दिन कोई ना कोई नेता उनसे मिलते हैं और सबकी निगाहें उनकी मुलाकात पर टिकी होती है, क्योंकि कोई ना कोई संदेश लालू प्रसाद यादव की तरफ से उन नेता को दिया जाता है और नेता बाहर निकलकर उनके संदेश को सबके सामने रखते हैं। ऐसे में जब उनकी बेटी चंदा आज उनसे मुलाकात करने पहुंची तो लालू के साथ वो भी काफ़ी भावुक भी हो गई। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।